नमस्कार, वेलकम टू लेट्स कुक अप। आज मैं आप लोग के लिए एक वेज सेमेथी ग्रेवी बनाने वाला हूँ। ये ग्रेवी बेसिकली मैंने एक फ्रेंड की शादी में ट्राई किया था एंड काफी यमी था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँ। इस डिश का दो नाम है, मेथी मलाई मटर या मेथी मटर मलाई। आपको जो भी बोलना है बोल सकते हो, बस इस वीडियो को पूरा देखिए। मेथी मलाई मटर बनाने के लिए तीन मेन इंग्रेडिएंट होता है। एक कप मेथी लिया है, आधा कप फ्रेश मटर, आधा कप मलाई, आधा कप प्याज, दो हरी मिर्च, तीन से चार लहसुन और एक छोटा टुकड़ा अदरक। सिंस मेथी मलाई मटर एक रिच ग्रेवी है, इसलिए हमने यहाँ पे दो चम्मच काजू लिया है। मसाले में मैंने यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है, आधा चम्मच जीरा और एक तेजपत्ता लिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा चीनी, एक बड़ा चम्मच अमूल बटर, दो चम्मच वेजिटेबल ऑयल और एक कप पानी। तो चलो बनाते हैं मेथी मलाई। पहला स्टेप ये है कि हमें मटर और मेथी को बॉईल करना है, तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है। बर्तन में पहले से ही पानी भी ऐड कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक और चीनी ऐड करके पहले मटर को बॉईल करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेता हूँ और थोड़ा सा चीनी। चीनी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि वेजिटेबल्स का कलर रिटेन हो। नॉर्मली क्या होता है कि वेजिटेबल्स बॉईल करने के बाद जो कलर है उसका फेड हो जाता है, तो चीनी हेल्प करता है उसका कलर रिटेन करने को। पानी बॉईल होने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें मटर। तो पानी बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे आधा कप मटर। इसको हम अराउंड 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर लेते हैं। तो अराउंड 3 से 4 मिनट हो गया है, अब हम फ्लेम बंद करके पानी स्ट्रेन कर लेते हैं। तो मैंने मटर को स्ट्रेन कर लिया है। जैसे आप देख सकते हो फ्रेश ग्रीन कलर दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने पानी में थोड़ा सा चीनी ऐड किया था। अब हम ये मटर को साइड में निकाल के रख लेते हैं एंड आगे के स्टेप्स कर लेते हैं। अब हम सेम पानी में थोड़ा सा नमक और चीनी वापस ऐड करके मेथी को बॉईल करेंगे। तो पानी बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे एक कप मेथी। इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर लेते हैं। तो अराउंड 3 से 4 मिनट हो गया है, तो अब हम फ्लेम बंद करके पानी वापस स्ट्रेन कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने मेथी को स्ट्रेन कर लिया है। इसको हम ठंडा पानी में ट्रांसफर कर लेते हैं। ठंडा पानी में रखने का मेन रीजन ये है कि जो मेथी का कलर है ये फेड ना हो। तो अब हम आगे के प्रिपरेशन कर लेते हैं। मेथी बॉईल करने का टाइम जो मैंने पानी यूज किया था वो मैंने फेंक दिया है। अगर आप वो सेम पानी यूज करोगे तो आपकी ग्रेवी को एक कड़वा टेस्ट आएगा, तो इसलिए मैंने नया बर्तन और थोड़ा सा पानी ले लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप प्याज, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और दो चम्मच काजू। अब हम ये पांचों इंग्रेडिएंट को अराउंड 3 से 4 मिनट तक पानी में बॉईल करेंगे। ये स्टेप करने का मेन रीजन ये है कि जो प्याज का जो शार्प टेस्ट है ये निकल जाए और ये पांचों इंग्रेडिएंट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम ये पांचों इंग्रेडिएंट को 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेते हैं। तो अराउंड 3 से 4 मिनट हो गया है, अब हम फ्लेम बंद कर लेते हैं एंड पानी स्ट्रेन कर लेते हैं। तो मैंने प्याज और जो बाकी के इंग्रेडिएंट है इसको एक प्लेट में स्ट्रेन करके निकाल के रख लिया है। ये अब ठंडा होने के बाद हम मिक्सर में ऐड करेंगे एंड एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। एक कप मेथी जिसको हमने ठंडा पानी में रखा था इसको मैंने स्क्वीज कर लिया है एंड पूरा पानी निकाल लिया है। अब हम इसको
फाइन चॉप कर लेते हैं। तो हमने जो प्याज, काजू, हरी मिर्च और अदरक लहसुन साइड में निकाल के रखा था वो ठंडा हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने आधा कप पानी ऐड करके पांचों इंग्रेडिएंट का फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल, साथ में हम ऐड कर लेते हैं 1 बड़ा चम्मच बटर, अमूल बटर। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा और तेज पत्ता। अच्छा सा खुशबू आ रहा है तेज पत्ता और जीरा का। इसमें हम ऐड करेंगे व्हाइट पेस्ट जो हमने बनाया था। मैंने अराउंड वापस 1/2 कप पानी यूज किया है क्योंकि मेथी मलाई मटर एक सेमी थिक ग्रेवी है। तो अब हम ये व्हाइट पेस्ट को हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेते हैं। सिंस हमने काजू ऐड किया था इसलिए हमें कंटिन्यू स्टर करना है, वरना क्या होगा कि नीचे चिपक जाएगा और ग्रेवी खराब कर देगा। तो अराउंड 2 से 3 मिनट हो गया है, जो हमारा व्हाइट ग्रेवी है ये कुक हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मटर। अब हम इस मटर को व्हाइट ग्रेवी में अराउंड 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक कर लेते हैं। तो अराउंड 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मेथी जिसको हमने फाइनली कट किया है। मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लेता हूं। अब हम ये मेथी को भी अराउंड 2 से 3 मिनट तक व्हाइट ग्रेवी में कुक कर लेते हैं। तो अराउंड 2 से 3 मिनट हो गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं नमक सब प्रॉपर है कि नहीं। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैं नमक ऐड कर रहा हूं। आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। साथ में मैं थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर लेता हूं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1/2 कप मलाई। अब लास्ट में हमें ऐड करना है 1/2 चम्मच गरम मसाला। एक चीज आपको यह ध्यान देना है कि क्रीम ऐड करने के बाद ग्रेवी बॉईल नहीं होना चाहिए। तो हमारा मेथी मलाई मटर रेडी है, इसको अब हम एक बोल में सर्व कर लेते हैं। तो हमारा मेथी मलाई मटर रेडी है। मैंने थोड़ा सा मलाई यूज किया है गार्निश के लिए। आप लोग भी अपने घर पे इसको जरूर ट्राई कीजिए और आपका जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैसा लगा आपको मेथी मलाई मटर? काफी सिंपल है, कुछ इंग्रेडिएंट्स है, आप भी बना सकते हैं ये इजी और टेस्टी डिश। ये एक सेमी थिक रिच ग्रेवी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट लाइक बटन, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अंटिल देन टाटा।